जो एक्सेस में जो जो मॉडिफिकेशन मैंने किए ना भाई, ये पूरे यूट्यूब में आपको कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। कोई भी प्रोसेस से कोई दिखाएगा ना यूट्यूब पर, जितना मैंने आपको दिखाया कि कैसे कैसे करना है, तो ये आपको यूट्यूब पे कोई दिखाने वाला नहीं है। इस वीडियो में पूरा प्रोसेस दिखेगा कैसे कैसे खोलना है और क्या क्या चीज़ रैप हुई है, क्या क्या चीज़ काम हुआ है, कम्प्लीट सिर्फ यूट्यूब पर मैं ही दिखाने वाला हूँ भाई। अभी यहाँ पर जो है रैप होगा मैट ब्लैक, इस पर तब तक इसके स्क्रू पाँचों खोल लेंगे, ठीक है। ऐसा खोल करके चारों मैंने हेडलाइट का जो कवर है ऊपर वाला, ठीक है, ये पूरा खोल लिया है। ये रैप हो रहा है, ठीक है, तो ये रैप हो रहा है, इस पर कवर रहता है, तो ये निकाल लिया मैंने, इसमें से ये निकल जाता है। तो ये होगा, क्लिक कर लो, ये जो है मैट रैप हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड भाई स्कूटी ये जो एग्जॉस्ट का मैंने जो मफलर कवर ये फिटिंग कर दिया मैट ब्लैक, तो ये हो रहा है ग्लॉसी ब्लैक, ग्लॉसी लिंकर मैंने लेफ्ट साइड ही खोली, तो भाई इसको खोलना बहुत लफड़ा है थोड़ा सा। ग्लॉसी वाला ये हो गया रेडी, जो हेडलाइट में कवर लगने वाला ये हो गया रेडी। तो ये तो यहाँ देखो भाई कितना मस्त लग रहा है, इस पर कैसा कवर, एंड भाई मस्त लग रहा है, आप देखो चेकआउट कर लो। तो आपको मैं लास्ट में सारा ये पीछे का लाइट है ये और ये स्मोक ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फिल्म चढ़ रहा है, इसका ऊपर पे जो काम है वो कर रहे हैं, तो इसका स्मोक हो गया, देख लो आप, हल्का सा स्मोक लग रहा लाइट, एंड एक नंबर लुक आ रहा है हेडलाइट का, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये फिटिंग हो गई है, बाकी ये कवर लगेगा लास्ट। तो ये सबसे पहले ऊपर ब्लिंकर के ऊपर बैठाया जाता है, और उसके बाद तो ये जो है लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देखिए, ये हो गया स्मोक, ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी राइट साइड का जो है इंडिकेटर ये भी हो गया स्मोक ब्लैक, तो यहाँ चेकआउट कर लो भाई, और अच्छा फिनिश आ रहा है इस पर। तो अभी पेट्रोल टैंक का जो कवर है ये हो रहा है ग्लॉसी ब्लैक, ठीक है। तो देखो भाई रैप हो रहा है, तो ये पूरा ये देखो ये हो गया ब्लैक, पूरा ऐसा लग रहा है कि पेंट किया हुआ है, तो इस पर उसका ऐसा मैच कर रहा है ग्लॉसी पे दोनों को। ये अभी ब्लैक करा रहा हूँ साथ में, जो लेडीज फुटरेस्ट होता है ना, तो ये भी मैं मैट ब्लैक करा रहा हूँ। तो यहाँ के रेस्ट में यहाँ सुजुकी में रेड कलर में सुजुकी लिखाया, इंजन का कवर है यहाँ भी लिखा है ब्लैक कलर का, सुजुकी रेडियम लगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर करण, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। सो कैसे आप लोग, होप करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो भाई थोड़ी सी तबीयत खराब बिगड़ी हुई है, गला वाला खराब है थोड़ा सा, थोड़ी सी आवाज़ डाउन लग रही है आपको। तो आज की वीडियो क्या होने वाली है, आपने देख लिया टाइटल और थंबनेल। तो आज मैं एक्सेस की थोड़ी सी बेसिक मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ, मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे, मतलब कि भीड़ से थोड़ा अलग दिखने वाली गाड़ी, जैसे कि 10 एक्सेस खड़ी है तो उसमें थोड़ा मैं डिफरेंट दिखेगा, तो उस तरह से कुछ मैं अपने एक्सेस पे छोटा मोटा कुछ करने जा रहा हूँ, मतलब कि ज़्यादा मेजर भी नहीं करूँगा, हल्का फुल्का, मतलब कि जहाँ पे क्रोम्स है, मतलब गाड़ी में जहाँ पे क्रोम फिनिश है, जो मुझे नहीं पसंद क्रोम, आप भी जानते हो मुझे क्रोम कलर एकदम पसंद नहीं है, तो वहाँ मैं कराने वाला हूँ रैप, ठीक है। या तो ग्लॉसी ब्लैक होगी या तो मैट रैप होगा, दोनों में कुछ होगा वो डिसाइड होगा शॉप में जा करके, जैसे शॉप वाला बोलेंगे कि हाँ ऐसा रैप जो है यहाँ पर टिक सकता है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे जो है रैप होगा। तो अभी क्या है कि चलते हैं डायरेक्ट शॉप पे, फिर जो भी खोला खाली करना है मैं टूल किट साथ ले जा रहा हूँ अपना, तो जो भी खोल खाल करेंगे एक्सेस की वहाँ शॉप में करेंगे, एंड ध्यान से देखना वीडियो को, मज़ा आएगा एकदम पूरा मस्त। तो चलते हैं शॉप में, फिर वहाँ जाके बैक कैमरा में आपको स्कूटी दिखाते हैं, उसके बाद क्या क्या उसमें काम होने वाला है। फाइनली वो शॉप में आ गए जहाँ मैं काम कराता हूँ, रेडियम हब, ठीक है। जो जमशेदपुर में रहते हैं उन्हें पता है डिमना रोड में ये दुकान है, ये रही अपनी एक्सेस। एंड आपको ये बता दूँ क्या काम होने वाला, सबसे पहले जहाँ जहाँ क्रोम है, जैसे कि ये क्रोम दिख रही है, ये मैं अभी खोलूँगा, और ये होगी रैप, मैट होगी ब्लैक, के बाद बताऊँगा आपको। ये हो गई, और सुजुकी कलर को जो मैंने पिछले बार ही ब्लैक करा लिया था वो अच्छा लग रहा है, और बाकी ये जो क्रोम दिख रहा है आपको दोनों का, ये थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि इसको स्मोक ब्लैक कर लूँ दोनों को, दोनों लाइट्स को, जो दोनों लाइट्स हैं सोच रहा हूँ कि इसको स्मोक ब्लैक कर लूँ, ये बात का बात है वो देखेंगे ये होने के बाद। उसके बाद पेट्रोल टैंक कैप है, ये भी क्रोम है, इसको भी चेंज करना है, और या तो ये मैट होगी या तो ग्लॉसी, ये हो गया। और पीछे का लाइट ये भी स्मोक ब्लैक होगा थोड़ा सा, एंड ये भी थोड़ी सी स्मोक होगी, और बचा एग्जॉस्ट का कवर, एग्जॉस्ट कवर ये खोल के ये भी होगा मैट ब्लैक पे, तो ये सब खुलना है अभी। एंड एक और प्लान कर रहा हूँ इसमें कि ये जो लेडीज़ फुटरेस दिख रही है आपको, ये है सिल्वर में, तो यहाँ पर सुजुकी लिखा हुआ है, सुजुकी होगी रेड कलर में, एंड ये होगा ग्लॉसी ब्लैक, या देखते हैं। तो ऐसा सीन है कि जब तक मैं ये हेडलाइट कवर खोलूंगा तो उसको खोलने में टाइम लगेगा 10 से 15 मिनट, ठीक है, इसके स्क्रू वगैरह खोलने पड़ते हैं, तो जब तक ये खोलूंगा तब तक मैं जो है एग्जॉस्ट कवर खोल करके एलन की से मैं यहाँ पर रख दिया हूँ। तो अभी यहाँ पे जो है रैप होगा मैट ब्लैक, इस पर तब तक ये रैप होता रहेगा, साथ साथ में मैं इसका हेडलाइट भी खोल दूंगा अभी। तब तक यहाँ पे ये एग्जॉस्ट का मफलर कवर जो है मैट ब्लैक होता है, उतनी देर जो है इसका हेडलाइट का जो कवर है ये खोलते हैं। तो खोलना कैसे इसको, यहाँ पे स्क्रू देख रहे हैं आप ऊपर में, ये दो स्क्रू खोलना है, फिर नीचे यहाँ दो स्क्रू उसको खोलना है, एंड उसका जस्ट नीचे आपको हेडलाइट का जस्ट नीचे यहाँ पे आपको स्क्रू दिख रहा होगा, अंदर पे ये स्क्रू दिख रहा होगा, तो ये पांच स्क्रू खोलने, उसके बाद ये जो है पोर्शन बाहर आ जाएगा, तो उसको निकाल के फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा रहे थे ये वाला कैसे खोल। तो ये जो है स्क्रू ड्राइवर, तो यहाँ से इसको इसके स्क्रू पाँचों खोल लेंगे, ठीक है, ऐसा खोल करके चारों, फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि एक हाथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक हाथ से खोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए,
तो इसके लिए थोड़ा माफी चाहता हूँ। तो इस खोल के सारा फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ मैंने हेडलाइट का जो कवर है ऊपर वाला, ठीक है, ये पूरा खोल लिया है एंड खाली चार स्क्रू लगते हैं इसमें, उसके बाद ये सारा बाहर निकल जाता है। तो अंदर ग्लॉसी वाला जो ऊपर का पार्ट है वो कैसे निकालना है, तो यहाँ आपको अंदर दिख रहा होगा दो स्क्रू है ऊपर में, ठीक है, एक ये कोना पे और एक ये कोना पे, ये दो स्क्रू खोलने हैं। उसके बाद ये जो पोर्शन है इसको, इससे क्लिप लगे हुए हैं यहाँ पे, तो क्लिप को दबा के सारा जो है वो बाहर वाला जो पार्ट है वो आ जाएगा, निकल जाएगा बाहर, फिर आपको निकाल के वो दिखा पे साथ साथ में भाई ये रैप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई हीट गर्म मार करके और इसका जो एग्जॉस्ट मफलर है ये ब्लैक रैप हो रहा है इस पर। तो यहाँ एग्जॉस्ट का रैप काम करते करते साथ में मैंने जो है इसका हेडलाइट का जो ऊपर कवर रहता है तो ये निकाल लिया मैंने। तो इसमें खाली क्या ऊपर दो स्क्रू रहते हैं, ठीक है, एक लेफ्ट साइड राइट साइड स्क्रू होते हैं इस पर। तो भाई यहाँ से कट कर लिया, यहाँ लेफ्ट में एक स्क्रू है और एक राइट में स्क्रू है, बाकी सब साइड में क्लिप लॉक है, ठीक है। तो ये आसानी से निकल जाता है, कोई ज़रूरत नहीं उतनी दो आदमी को पकड़ने की, एक आदमी से ही निकल जाता है। तो ये होगा ग्लॉसी ब्लैक रैप, ठीक है, ये बस वाले हॉर्न मार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होगा ग्लॉसी ब्लैक विनाइल होगा इस पर एंड पहले ये काम हो जाए उसके बाद ये साथ में काम होता रहेगा इसका भी। यहाँ फाइनल चेकआउट कर लो, ये जो है मैट रैप हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड भाई स्कूटी में बहुत ज़्यादा सूट करेगा। तो इसको फिट करके फिर आपको फाइनल दिखाते हैं, तब तक जो है इसका ये जो प्लास्टिक वाला कवर हेडलाइट का ये होगा विनाइल, तो वो काम होने देते हैं। उसके बाद तब तक ये जो है ये फिटिंग कर लेते हैं और भाई ये मैट ब्लैक में कितना सूट करेगा लगा आपको दिखाते हैं। तो यहाँ चेकआउट कर लो भाई, ये जो एग्जॉस्ट का मैंने जो मफलर कवर ये फिटिंग कर दिया मैट ब्लैक एंड बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है इस पर, देखो एग्जॉस्ट जितना भी क्रोम है सब मैं हटा दूंगा यार, मुझे कोई पसंद नहीं है। देखो मैट ब्लैक कितना अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है इस पर, आप खुद ही देख लो। और बाकी जो काम है इसका रैप वाला वो तो हो ही रहा है। तो यहाँ पे भी काम जो है चालू हो गया वो हेडलाइट कवर का, ठीक है। तो ये देखो ये हो रहा है ग्लॉसी ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक मतलब ये विनाइल है, ये रेडियम नहीं है, ये विनाइल है। तो ये भी इसका काम हो रहा है यहाँ पे, तो दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सारा काम होकर फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है लमसम जो काम इसका रैपिंग का ये हेडलाइट कवर का ये हो ही गया है, तो बस थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग हो रहा है अभी इसमें एंड ये हो गया ग्लॉसी ब्लैक पे कम्प्लीट एंड ये पूरा कम्प्लीट होकर फिर आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। अभी जो है फ्रंट वाला मैंने जो है कवर इसका ये खोल लिया, क्योंकि दोनों ब्लिंकर को जो बाहर निकालने पड़ेंगे दोनों को स्मोक करने के लिए, तो मैंने ये जो है ये कवर बाहर निकाल लिया। इसमें ऊपर दो स्क्रू हैं, दो नीचे फास्टनर लगे रहते हैं, उसको ओपन करना, फिर अभी जो है दोनों ब्लिंकर को बाहर निकाल के देना होगा इनको और फिर वो जो है रैप करेंगे इसको स्मोक में। तो यहाँ जो है ब्लिंकर मैंने लेफ्ट साइड ही खोली, तो भाई इसको खोलना बहुत लफड़ा है थोड़ा सा, तो ध्यान से खोलिएगा। सारा बॉडी का जितना स्क्रू है ना ऊपर का सारा स्क्रू खोलना पड़ता है, पीछे फास्टनर भी है इसका, तो सारा नट खोलना पड़ता है इसका। याद रखें अगर जब भी खोलेंगे तो तीन चार नट हैं इसके, सारे खोलने होंगे। तो तब तक जो है ये होगा स्मोक एंड भाई यहाँ पे इसका जो ग्लॉसी वाला ये हो गया रेडी, जो हेडलाइट में कवर लगने वाला ये हो गया रेडी। तो ये फिट करके इस पर जो फाइनल लुक आने वाली है ना भाई ये आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ देखो भाई कितना मस्त लग रहा है इस पर एंड फिर आपको दिखाते लगा के। तो यहाँ पे मैंने जो है ये फिटिंग कर दी है, ठीक है, उसका कवर एंड भाई मस्त लग रहा है, आप देखो चेकआउट कर लो। तो आपको मैं लास्ट में सारा सिनेमैटिक दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लेना, लास्ट में वीडियो देखनी। और तब तक यहाँ पे देखो भाई ये पीछे की लाइट है ये और ये स्मोक ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फिल्म चढ़ रहा है इसका ऊपर पे, तो ये स्मोक ब्लैक फिल्म है लाइट पे चढ़ रही है और ये काम हो रहा है पीछे का। जब तक हो जाता मैं सब सारा फिटिंग कर लूँगा आगे का, और ब्लिंकर वगैरह भी खोला हुआ है। तो अभी क्या है इसको फिटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं, और तब तक भाई पीछे पे स्मोक ब्लैक का जो काम है वो कर रहे हैं। यहाँ चेकआउट कर लो भाई, एक नंबर लुक आ रहा है हेडलाइट का और बहुत ही अच्छा लग रहा है इस पर ग्लॉसी ब्लैक मैट ब्लैक बाइक स्कूटी पे ग्लॉसी ब्लैक इसका कवर एंड बहुत अच्छा लग रहा है। ये फिटिंग हो गई है, बाकी ये कवर लगेगा लास्ट में जब इसकी सारी स्मोक हो जाएगी, सारा काम जो है इसका हो जाएगा उसके बाद पे। एंड यहाँ पे भाई पीछे लगे हुए हैं पूरा, पीछे लाइट को स्मोक किया हुआ इन्होंने एंड इसकी भी लुक अच्छी आएगी स्मोक पे। तो ये काम हो जाता है फिर आपको पूरा कंप्लीट दिखाएंगे। यहाँ जो है फाइनली जो है इसका स्मोक हो गया, देख लो आप, हल्का सा स्मोक लग रहा लाइट एंड बीच बीच में थोड़ा सा एयर डॉट्स है क्योंकि अभी न्यू लगा है ना, तो थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, धूप में रहेगी तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा एंड भाई बहुत अच्छा लग रहा है, सेक्सी लग रहा है इस पर। यहाँ से आउट करो, हल्का सा स्मोक हो गया लाइट, ठीक है। तो अभी धूप पीछे से डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है धूप का, तो इसलिए पता नहीं चल रहा। तो ये जो है यहाँ पे हो गया स्मोक एंड बहुत ही बेटर लग रहा है। तो भाई यहाँ पे अभी इसको इंटरलॉक कर रहे हैं रेडियम लगा के एंड थोड़ा सा गलती होगी, आपको दिखा नहीं पाया कैसे करना, क्योंकि आगे मैं जो काम था लाइट लगाने का वो मैं कर रहा था अपने से, तो एक ही जानी रिकॉर्ड करने के लिए तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई। तो कोई नहीं, एक मौका है आगे, जो ब्लिंकर की लाइट है वो कैसे लगेगी वो आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पे पीछे का स्मोक हो गया भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है लाइट हल्का सा। तो अब फिर नेक्स्ट दिखा, ये जो है पीछे की लाइट स्मोक हो जाने के बाद भाई आप देख लो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस पर
हल्का सा ब्लैक हो गया स्मोक, बहुत अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है मैट ब्लैक कलर पे। और बस अब ये भी है, ये भी थोड़ा सा ये ग्लॉसी ब्लैक होने वाला टैंक कैप का कवर, जैसा ये है ना आपका ग्रैब हैंडल ग्लॉसी ब्लैक, सेम ऐसे ही हो जाएगा। और अभी जो है दोनों ब्लिंकर मैंने खोल के भाई को दे दिया है, आएगा ब्लिंकर, ये भी हो रही है स्मोक, ठीक है। तो ये रहा स्मोक का फ्लेम एंड ये सारा फिटिंग हो गया। एंड भाई आगे पूरा नंगा किया हुआ गाड़ी को, तो सारे नट बोल्ट्स वगैरह सब खोल के रखे हुए हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद स्मोक हो जाने के बाद ब्लिंकर को फिर आपको दिखाते हैं स्टेप्स कैसे कैसे इसको स्मोक करना है। तो ये जो स्मोक वाली फ्लेम है देख लो, तो ये सबसे पहले ऊपर ब्लिंकर को ऊपर बैठाया जाता है और उसके बाद भाई इसको हीट गन मार करके अच्छा से बैठाएंगे इसको। तो ये जो है काम शुरू हो गया इसका स्मोक होने का। तो यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस मालूम चल रहा होगा, ये देखो ये क्लियर लेंस ओरिजिनल ब्लिंकर एंड भाई ये स्मोक वाला, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा, हल्का सा वो ब्लैक और हल्का सा ये वाइट। तो यहाँ जो है फाइनली ये जो है स्मोक हो गया, ठीक है, एक साइड का ब्लिंकर, तो आप यहाँ चेकआउट कर लो। तो अभी जो है इसका ऊपर का फ्लेम रहता है उसको निकालेगा, तो एक फ्लेम प्रोटेक्शन फ्लेम रहता है इसके ऊपर पे, तो वो निकालना है। ये देखो ये ऊपर का एक प्रोटेक्शन फ्लेम होता है, ठीक है, और ये ग्लॉसी फिनिश देता है, ये एक फ्लेम हो गया, ठीक है, ऊपर से निकलता है। एंड आपकी जो है प्रॉपर स्मोक लग रही है लाइट, और ये हो गया फिनिश। तो ये देखो हल्का स्मोक, इसको हाथ उठाना भाई हल्का सा, दोनों साथ रखना। तो यहाँ देखो लेफ्ट साइड वाला स्मोक है, राइट साइड क्लियर है, तो दोनों में डिफरेंस लग रहा होगा आपको। तो हल्का सा स्मोक जो है कितना अच्छा लग रहा है, एंड ये राइट साइड का जो है क्लियर ओरिजिनल है, तो ये लेफ्ट साइड की स्मोक हो गई है, अब राइट साइड का बाकी है, तो भाई उसको करेंगे। ये जो है लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देखिए, ये हो गया स्मोक, ठीक है, तो एंड बहुत अच्छा लग रहा है ये ब्लैक पे एंड शूट करेगा। तो इसको मैं फिटिंग कर देता हूँ अपने गाड़ी पे, उसके बाद ये जो बचा हुआ इंडिकेटर फिर इसको होगा, फिर इसको फिटिंग करेंगे। लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है जो मैंने लगा दिया, फिटिंग कर दिया, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे, और अब राइट साइड का जो है वो स्मोक हो रहा है यहाँ पे अंदर पे, एंड वो हो जाने के बाद फिर उसको फिटिंग करते हैं। अभी राइट साइड का जो है इंडिकेटर ये भी हो गया स्मोक ब्लैक, तो यहाँ चेकआउट कर लो भाई, और अच्छा फिनिश आ रहा है इस पर, हल्का सा स्मोकी, एंड इसको फिटिंग कर देते हैं। और तब तक भाई जो टैंक का कैप का कवर है ये वाला, ये भी विनाइल होता रहेगा इसका, और इसको फिटिंग कर लेते तब तक। तो यहाँ जो है सारा फिटिंग हो गया, ठीक है, अब चेकआउट कर लो, सारा आ गया, बॉडी लग गई है एंड ऊपर का सारा काम हो गया। तो अभी पेट्रोल टैंक का जो कवर है ये हो रहा है ग्लॉसी ब्लैक, ठीक है, तो देखो यहाँ पे कवर खुला हुआ, तो मैंने कपड़े से रखा हुआ कहीं पेट्रोल ना उड़ जाए इसका। तो और यहाँ पे पेट्रोल टैंक का कवर है ये भी हो रहा है ग्लॉसी ब्लैक, एंड यहाँ पे भाई रैप हो रहा है, तो ये पूरा काम होकर फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ चेकआउट कर लो, फाइनली जो पेट्रोल टैंक कैप है ये भी हो गया है ब्लैक, ठीक है, तो ये देखो ये हो गया ब्लैक पूरा, ऐसा लग रहा है कि पेंट किया हुआ है। तो इस पर रैप चढ़ाना काफ़ी दिक्कत हो रहा था इस पर, लेकिन फिर भी भाई ने कैसे कैसे करके इसको जो है इसका काम कर दिया। तो यहाँ पे चेकआउट कर लो भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, सेम जो ग्रैब हैंडल है उसका ऐसा मैच कर रहा है ग्लॉसी पे दोनों को। ये ग्रैब हैंडल पेंटेड है कंपनी का ओरिजिनल, और ये रैप किया हुआ, देखो भाई दोनों में कितना अच्छा काम होता है यहाँ पे। एंड भाई इसको लगा के फाइनली फिर रुक दिखाते हैं भाई, यहाँ चेकआउट कर लो, देखो पीछे पेट्रोल टैंक कैप भी वो हो गया ब्लैक, ठीक है, एंड बहुत अच्छा सूट कर रहा है इस पर। तो सारा काम हुआ है, जो हो गया कंप्लीट, अब यहाँ से जाएंगे घर, और घर जाके फिर आपको एक ग्राउंड जाएंगे, वहाँ पे एक सिनेमेटिक शॉट्स निकालेंगे, वहाँ पे जरूर सिनेमेटिक शॉट्स इसके देखना। साथ साथ में ये जो है अभी ब्लैक करा रहा हूँ, साथ में जो लेडीज़ फुट रेस्ट होता है ना, तो ये भी मैं मैट ब्लैक करा रहा हूँ। तो यहाँ चेकआउट कर लो, यहाँ पे भाई काम कर रहे हैं, एंड ये पूरा जो है ये भी हो रहा है ब्लैक, और यहाँ पे सुजुकी जो लिखा रहता है वो हो जाएगी रेड कलर पे, एंड नीचे जो आपको साइड में इंजन कवर दिख रहा है वो भी हो जाएगा ब्लैक कलर पे सुजुकी लिखा हुआ, तो वो सारा आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे भाई ये ब्लैक कर रहे हैं इसको हीट गन से अच्छा से, और भाई स्कूटी को पूरी डार्क एडिशन बना के रखनी है अब। तो गाइज यहाँ जो है अपना मॉडिफिकेशन जो हो रहा था इस वीडियो पे ये हो गई कंप्लीट। तो शॉप में जो अभी मैं काम कर रहा था, ठीक है, तो लास्ट में ये बच गया था एक, इसको ब्लैक करना लेडीज़ फुटरेस्ट में, यहाँ सुजुकी में रेड कलर में सुजुकी लिखाया, एंड ये भाई यहाँ चेकआउट कर लो, ये जो इंजन का कवर है यहाँ भी लिखा है ब्लैक कलर का सुजुकी रेडियम लगा। तो जैसे कि होंडा के स्कूटी सब में क्या कि ये साइड की जो कवर रहती है ना ये आती है ब्लैक कलर में, तो ज़्यादा सूट करता है इस पर। तो कोई बात नहीं, ऐसे भी डोप लग रही है, तो आप एक बार चेकआउट कर लो स्कूटी को। तो ये भाई यहाँ पे मेरी एक्सेस बन गई है एकदम भीड़ से अलग, डिफरेंट फ्रॉम क्राउड। अगर 20 एक्सेस पे भी अगर मेरी खड़ी रहेगी तो कोई पहचान के बोल देगा हाँ भाई ये है करण की एक्सेस, कंप्लीट इसका ऐसे ही जो है मॉडिफाइड है। तो आपने देख लिया सारा काम मेरा इस वीडियो पे। तो अभी जो है आपके लिए सिनेमैटिक शॉट्स निकालूंगा,
ठीक है, तो वो चेकआउट करना। तो यहाँ पे सारा काम हो गया, ठीक है, एग्जॉस्ट का ये कवर ब्लैक हो गया है, मफलर, ये पेट्रोल टैंक कैप ये हो गया ब्लैक, पीछे की लाइट हो गई है स्मोक, ठीक है। तो कैमरा साइड पता नहीं कितना एडजस्ट कर रहा है, पर लेकिन यहाँ पे मुझे स्मोक लाइट बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट बन रहा है गाड़ी के साथ पे। चॉकलेट ब्राउन सीट कवर की वीडियो आपने पिछली बार देख ली थी, और अभी जो है साइड का लेडीज़ फुटरेस्ट ये किया ब्लैक, ठीक है, सुजुकी लिखा है रेड कलर पे, एंड नीचे इंजन कवर पे भी ब्लैक पे लिखा हुआ है, और अपना हेडलाइट का जो कवर है ये भी है ब्लैक कलर पे, और आगे की लाइटें भी हुई है स्मोक, ठीक है। तो आपको हल्का लग रहा होगा स्मोक, ठीक है, तो कैमरा कितना एडजस्ट कर रहा मुझे पता नहीं है। नंबर प्लेट भी अपना डिफरेंट, सब एक्सेस है डिफरेंट, और सारा काम यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। तो अभी आप इसके सिनेमैटिक शॉट्स देखो इन 1, 2, 3 एंड गो। सो फाइनली जो है मेरी जो एक्सेस है डिफरेंट फ्रॉम क्राउड लग रही है, ठीक है, सबसे अलग। तो अगर होप करता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी मेरी बेसिक मॉडिफिकेशन, तो ये सबको शेयर करना, जितने भी एक्सेस ओनर्स हैं ना सबको शेयर करना, और जो भी मेरी वीडियो देख रहे एक्सेस वाली सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो और एक से एक लाऊंगा भाई। और पीछे मैं भी इसमें लगने वाले ट्रम्पेट हॉर्न, पॉप वाले हॉर्न लगाऊंगा, कंप्लीट वायरिंग कैसे करनी है, घर पे वायरिंग बनानी है, क्या क्या लगाना, टोटल चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ सब वीडियो पे, ठीक है। और फ्रंट में लगने वाली है, और ये क्या बोलते हैं इसको, पार्किंग एलईडी जो होती है, सबसे ब्राइटेस्ट एलईडी लगाऊंगा, कैसे लगाना सब दिखाऊंगा इस वीडियो पे, आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा, और इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, कोई और नहीं दिखाने वाला। तो पार्किंग एलईडी और हॉर्न की वीडियो, ये दो वीडियो जस्ट इसके बाद में आएगी, तो इस वीडियो में पैर दिखाना, सबको शेयर करना, ठीक है, सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो भाई, उसमें आपके पैसे नहीं लगते हैं, सब्सक्राइब करना भाई को, सपोर्ट करना, शेयर करना सबको, चैनल सबको दिखाना कि भाई एक्सेस मॉडिफिकेशन मैं स्टार्ट कर दूंगा इस पे। और तो वीडियो करते हैं यहाँ पे क्लोज, टिल नाउ राइट सेफ, टेक केयर, सपोर्ट, शेयर एंड बाय बाय।